Thank you. Thank you. हेलो, हाँ ओके, हाँ ओके ओके, अब मैं अभी आ रहा हूँ। वन मिनट। हाँ हाय सिद्धू, ठीक है मैं जल्दी आती हूँ। बेबी सॉरी बेबी, आई वांट टू मूव नाउ। मुझे भी जाना है बेटी, ऑफिस से एमडी का कॉल था। लंच तो करते जाइए। फ्लाइट मिस हो जाएगी बेटी, अगली बार फुल डे का प्लान करके आता हूँ। बाय बेबी। बाय बेबी। ब्यूरो के ब्रोकर की तरह एक शादी का रिश्ता लेकर आए थे और उन्हें कोई फायदा नहीं मिला तो चले भी गए। कोई रिलेशन नहीं, वो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और ना ही मैं उनकी डॉटर हूँ। इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए थे, सोचा था थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे अपने माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ सब मतलबी है। उनसे प्यार की उम्मीद रखना मतलब वीरान जंगल में पानी की उम्मीद करना है। कोई बात नहीं, बोलो। मेरे ऑफिस में एक मस्त लड़की है यार। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत एंजॉय करेगा। यस थैंक यू। गुड मॉर्निंग हर्षिता। गुड मॉर्निंग। If you don't mind, मेरा एक काम करोगी क्या? Tell me. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे गेस्ट हाउस में ही रुकने वाला है। उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम मांगा है उसने। तुम उसको? हाँ तो तुम? हे, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, हम दोनों की दोस्ती है इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम्हें बुरा लगा क्या? ये तुम पहली बार नहीं पूछ रहे हो और ना ही मैं पहली बार कर रही हूँ। एक मर्डर करूं या 100 मर्डर्स करूं, सजा तो एक ही है ना। ओके ठीक नहीं है बस। एक मिनट राजा। बहना, उस बाइक में जाने वाली आपकी बेटी है ना? जी हाँ। वो बाइक चलाने वाला आपका भाई है क्या? नहीं। आपका क्लासमेट है? नहीं। आपकी कास्ट वाला है?
नहीं। तो आपने उसके साथ क्यों भेजा उसे? पता नहीं क्या कौन है वो? उस लड़के का नाम माइकल है, हमारे पड़ोस में रहता है। उसकी उम्र 40 साल है। रोज वो जाते वक्त मेरी बच्ची को स्कूल ड्रॉप कर देता है। हो गया कांड। बहन जी, ऑटो के पैसे बचाने के लालच में अपने पड़ोस वाले के साथ अपनी बेटी को भेज रही है, इसका मतलब उसकी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही हैं आप। वो लड़का ऐसा नहीं है भैया, वो बहुत अच्छा इंसान है। हमारी बच्ची को लेट हुआ फिर भी वो रुक कर उसे लेकर जाता है, और तो और मेरी बेटी उसे अंकल कह के बुलाती है। इंग्लिश भाषा में अक्षरों की कमी की वजह से एक ही वर्ड को दो तीन जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सपोज कीजिए, अंकल नाम के वर्ड को मामा जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और चाचा जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी बेटी को उस बाइक पे ले जाने वाला चाचा जी वर्ड को बाजू में रख के अंकल वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो, तब क्या हालत होगी तुम्हारी बेटी की? आ करके मुंह मत खोलो, चील कौवे घुस जाएंगे मुंह के अंदर। बहन जी, बच्ची का नाम क्या है? अनु। कहाँ पढ़ती है वो? श्री चैतन्य स्कूल में। तो जब भी वो अब स्कूल जाएगी ना, तो तुम ही उसे ड्रॉप करने जाओगी राजा, किसी और के साथ मत भेजना राजा। अरे घर में क्या बोल के आया, ऐसे चला रहा है? चल अपना काम कर। हेलो अम्मू राजा, कैसी हो बेटा? आप कौन है अंकल? बेटी तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ। मेरा नाम रिपेयर राम बाबू है। तुम्हारे घर गया था मैं, माँ से मिला था मैं, पता चला कि तुम स्कूल आई हो, तो सोचा गांव जाने से पहले मैं जरा तुमसे मिलता चलूं। तो 5 मिनट हो तो आपस में बात कर ले हम लोग। आओ चलो वहाँ बैठ के बात करते। जल्दी बताइए ना अंकल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ये लाइफ है राजा, जल्दबाजी मत करो। लेक्चर का क्या है, तुम्हारे नजदीक बैठे स्टूडेंट से पूछ लेना। तुम जो खोने वाली हो ना, वो तुम्हारे नजदीक बैठा स्टूडेंट नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। अच्छा तो ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है? माइकल ने दिया है ना? जी हाँ। लैपटॉप भी दिलाएगा ये भी कहा ना उसने? उसने दिया है, आपको कैसे पता? हमें सब पता चलता है बेटी, ये सब अनुभव से प्राप्त होता है राजा। माइकल बहुत खुश होके जा रहा था यहाँ से, तो क्या तुम भी उसे कोई गिफ्ट देने वाली हो? नहीं, वही देने वाला था। डायमंड रिंग देने की बात कही क्या उसने? हाँ, जी हाँ। सिनेमा का ऑफर भी दिया होगा उसने? हाँ, कहा तो है। तुम जाने वाली हो क्या? जाने वाली हूँ। वही तो उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। देखो राजा, ये एक जाल है, वो तुम्हें अच्छे गिफ्ट देकर तुम्हें अच्छे से खुश करके तुम्हारी मासूमियत को बर्बाद करना चाहता है। आपने मेरी आंखें खोल दी, उसका गिफ्ट उसके मुंह पे मार दूंगी। मारो मत बेटा, अगर मारोगी ना तो वो भाग जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ हाँ। क्या मुँह, लेट हो गई? देर क्यों हुई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं। हाँ तो देर किस बात की है, चलो ना चलते हैं, क्योंकि तेरे लिए डायमंड रिंग लेकर आया हूँ। अपनी खुशी मिटाने के लिए जल्दबाजी क्यों कर रहा है राजा? अम्मो चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। डर लग रहा है? डर लग रहा है? डर किस लिए अम्मो, मैं हूँ ना यहाँ, टेंशन मत ले, स्मूथली डीलिंग कर लूंगा। स्मूथली डील करेगा राजा, मतलब धोखे से गला काटेगा तू। अम्मो यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। आपकी वाइफ को हमारे अंकल ने देखा है, वो बहुत खूबसूरत है। मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है अम्मो। एक सर को आपकी वाइफ चाहिए, भेजेंगे क्या? क्या बात कर रही है अम्मो, कौन बोल रहा है? उसकी जान ले लूंगा। थोड़ा और जोर से मारो राजा, गाल लालम लाल हो जाने चाहिए, मारो। क्या हुआ अम्मो, आज तू ये क्या कर रही है, क्या हुआ, अजीब सा बिहेव कर रही है? इसमें अजीब सा कुछ भी नहीं है राजा, अम्मू को जो लॉजिक बताया था ना, दोबारा मैं तुम्हें भी बताऊंगा। अम्मू नाम की लड़की लाइफ का एग्जाम लिखने के लिए सब कुछ नया चाहिए यही सोचती है, और तुम हो कि चूसे हुए आम की सूखी गुठली दिखते हो, पुराने खंडर दिखते हो तुम। उसको पेंट करने से बताओ क्या फायदा होगा? अगर तुमने बालों को कलर कर लिया तो जो जवानी तुम्हारी बीत चुकी है वो बालों के काले कलर से वापस आ जाएगी क्या? शरीर तुम्हारा खंडहर है और यही सच्चाई है, खंडहर का कुछ नहीं हो सकता, बोलो कुछ हो सकता है क्या? घटिया आदमी, फालतू आदमी, नीच दुष्ट आदमी, इस लड़की की उम्र कितनी है, तेरी उम्र कितनी है, कुछ पता है तुझे? चीची, सारा काम बिगाड़ दिया। जाओ। ए, ये भी लेकर जाओ। किसी दूसरी लड़की को ड्रॉप करने का सोचा तो तेरी लड़की को भी कोई ना कोई ड्रॉप करेगा, तो ऐसे पलटवार के लिए रहना तैयार।
मस्का लगा रहे हो? नहीं, आइसक्रीम खिला रहा हूँ मेरी जान। आज स्पेशल पेयर क्यों दिखा रहे हो? ऊपर से कितनी गर्मी हो रही है, तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा तो ठंडी रहोगी ना। कल से परसों से आज बहुत सुंदर दिख रही हो, दिन ब दिन तुम्हारी सुंदरता बढ़ती जा रही है। ये तो नेचुरल है ना, आखिर चाहते क्या हो जो इतनी दूर लेकर आए हो? कुछ भी नहीं मेरी जान, हमारे दोस्त रिसोर्ट में पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तुम्हें आना होगा। क्या प्लान किया है तुम लोगों ने?